सोनपुर मेला का पशु बाजार इस बार भी सभी प्रकार के नस्ल के घोड़ों से गुलजार है। गाय, बैल, बकरी व अन्य पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। सारण जिला पशुपालन विभाग ने इस बार मेले में आने वाले पशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किया है। पशु मेला ग्राउंड में 1 दर्जन पशु चिकित्सा कैंप लगाए गए हैं। 30,000 से 5,00,000 तक के घोड़े। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश ने जिला पशुपालन पदाधिकारी के हवाले से बताया, इस बार घोड़ा बाजार में अभी तक विभिन्न नस्लों के करीब 3,000 छोटे बड़े घोड़े पहुंच चुके हैं। पशु बाजार में 30,000 से लेकर तकरीबन 5,00,000 कीमत के घोड़े लाए गए हैं। एक तरफ जहां इस बाजार में एक से बढ़कर एक कदकाठी और उन्नत नस्ल के घोड़े लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, तो उनके बीच इस 2.5 फीट का चाइनीज भूटिया घोड़ा भी छाया हुआ है। इसे देखने दर्शकों की भारी भीड़ लगी रहती है। इसे पशु पक्षियों के प्रेमी सीतामढ़ी जिले के परिहर निवासी पेशे से डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव लाए हैं। केवल भूटिया घोड़ा ही नहीं, वे अपनी संपूर्ण काली गाय कामिनी को लेकर भी आए हैं। इसके अलावा घोड़ा जाबाज तथा तेजा, यही नहीं उनके शिविर में अच्छी नस्ल के 5 कुत्ते भी हैं। इनमें जर्मन शेफर्ड, अल्शियन लेब्रा तथा राटवीलर नस्ल के ये कुत्ते जब दमदार आवाज में भौंकते हैं तो मेलार्थियों की भीड़ भी ठिटक जाती है। डॉक्टर जितेंद्र का मस्त पहाड़ी भेड़ भी आकर्षण का केंद्र है। बड़े बड़े भूरे, काले और सफेद बालों तथा मुड़ी हुई सिंग वाली यह भेड़ देखने में भयंकर लगता है। गत वर्ष मेले के दौरान इसका मुकाबला सड़क पर ही एक दूसरे घोड़े से हो गया था, जिसे इसने पलक झपकते ही पटकनी दे दी थी। डॉक्टर जितेंद्र बताते हैं कि वे यहाँ अपने पशुओं को केवल दिखाने के लिए लाते हैं। इनमें से कोई भी जानवर बिक्री के लिए नहीं है। वे विगत 7 वर्षों से अपने खर्च पर इस मेले में अपने पशुओं को लेकर आ रहे हैं। वे कहते हैं कि बहुत ही सुंदर लगता है जब इन पशुओं को देखने यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। बताते चले कि हर साल की तरह सोनपुर मेला के घोड़ा बाजार में घोड़ा पालने के शौकीन करीब 20 रईसों के तंबू लग चुके हैं। उन रईसों के तंबू में एक से बढ़कर एक नायाब और रेस के घोड़े हैं।